गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी भाषा अभ्यास बुक का पार्ट 5 बहादुर दोस्त को करेंगे। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को पहचानना है और उनके नामों को उनके नीचे लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका बना हुआ है, सबसे पहला चित्र है कुत्ता, तो आपको इसके नीचे उसका नाम लिखना है। दूसरा चित्र है पोटली, अगला चित्र है सिपाही, टॉर्च, पूरी, चार पाई। अब अगला प्रश्न क्या है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। अब आप सब बच्चों ने बहादुर दोस्त पाठ पढ़ा है ना, तो उस पाठ को याद करते हुए हमें यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करना है। और इसके लिए आपको दो दो शब्द दिए गए हैं और उन दोनों में से जो सही शब्द है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे पहले वाक्य क्या है, चोर डर के मारे डैश लगा। अब दो शब्द कौन से दिए हुए हैं, कांपने, रोने, तो सही शब्द क्या है, कांपने लगा। अगला वाक्य है, दीपक का डैश जन्मदिन था। ये तो आप सब बच्चों को पता ही है कि दीपक का छठा जन्मदिन था। अब तीसरा वाक्य है, पिल्ले का नाम डैश था, तो पिल्ले का नाम क्या था, कालू या लालू, यस पिल्ले का नाम लालू था। अगला वाक्य है, चोर डैश पर चढ़ गया, चोर किस पर चढ़ गया था, पुलिस को देखते ही छत या पेड़ पर, चोर पेड़ पर चढ़ गया, सही शब्द है पेड़। अगला वाक्य है, लालू ने दीपक की डैश खींची, क्या खींची, रजाई या चादर, तो सही शब्द है रजाई। तो आपको इन सही शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन का मतलब होता है एक, अनेक, एक चीज और बहुत सारी चीजें। पहला शब्द है पूरी, और पूरी का अनेक बनेगा पूरियां, टोकरी, टोकरियां, रजाई, रजाइयां, कुत्ता, कुत्ते, दरवाजा, दरवाजे, तकिया, तकिए। अब आपको उदाहरण के अनुसार शब्द छांटकर लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको आधा प और य वाले शब्द और आधा स और त वाले शब्द ऊपर दिए गए डिब्बे में से छांटकर लिखने हैं। जैसे आधा प और य वाले शब्द कौन से हैं, प्यार, प्याज, प्याला, प्यास, और आधा स और त वाले हैं बिस्तर, बस्ता, सस्ता, दोस्त। अगला शब्द है हमारा, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। इसमें आपको चित्र दिए गए हैं और चित्रों को देखकर आपको इस शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहला चित्र क्या है, बटन। अब हमें यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखना है, ट। अगला चित्र है बकरी, और यहाँ पर क्या आएगा, क। अगला चित्र है टोकरी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क। तो हमें इस तरह से इस शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। अगली शब्द सीढ़ी है हमारी, अब आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है, आदमी, तो यहाँ पर क्या आएगा, द। और एक बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर क्या कर रहा है, आराम, तो यहाँ पर आएगा रा। अगला चित्र किसका है, कलम, तो यहाँ पर आएगा ल। अब अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य बनाइए। आपको चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को देखना है और उसके ऊपर एक वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका बना हुआ है, मोर का, और मोर आपको सबको पता है ना, जब बारिश आती है तो मोर कैसे नाचता है, तो अब आपको इस मोर के ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, मोर पेड़ की डाली पर बैठा है। अगला चित्र है मछली, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना, तो इसका वाक्य बनेगा मछली पानी में तैर रही है। अगला चित्र है एक लड़की का, और वो लड़की क्या कर रही है, लड़की पढ़ रही है। अब
अगला चित्र एक लड़के का है और वो क्या कर रहा है, एक लड़का झूल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक होमवर्क भी करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपने जो पाठ बहादुर दोस्त पढ़ा था उसमें दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था,